विजिबल है जी सर, विजिबल है जी। ठीक है, ये मैंने ट्रेनिंग के लिए हम ये वेबसाइट खोलते हैं, मैंने उस टाइम भी बताया था, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अभी भी इसी पे ट्राई करते हैं अपना रियल जो आपको दिया हुआ है यूजर। सर एक बार सभी के माइक म्यूट करवा दो प्लीज पहले। हाँ जी हाँ जी, जो आपकी आवाज सही सभी है, अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, सभी के माइक म्यूट कर दिए मैंने। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो हम एड्रेस लिखते हैं ये खाली ट्रेनिंग के लिए होता है। ट्रेनिंग पे जो हम रियल डेटा और मतलब फेक डेटा में फर्क होता है ना, कि ट्रेनिंग अभी हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा डेटा जो रियल ना हो वो रियल वेबसाइट पे जाए, इसलिए हम ट्रेनिंग के लिए अलग वेबसाइट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यही वेबसाइट खोल के बैठ जाए और उसी पर लॉग इन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये, तो हमारी ट्रेनिंग की वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है esanjeevani.in। ये वाली वेबसाइट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। कोई एक अपना माइक अनम्यूट कर ले कोई एक बंदा, और वो मेरे को रिप्लाई देता रहे ताकि पता रहे कि हाँ आप तक आवाज जा रही है ना। हेलो, हाँ जी सर, आ रही सर आवाज। हाँ आप अनम्यूट करके रख लो। ओके सर। ठीक है, बरनाला से है ना आप? यस सर। हाँ आप अनम्यूट करके रख लो और आप पता रहेगा मेरे को कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक 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 सर, ठीक। तो ये वेबसाइट है जो ओरिजिनल है, तो आपने ये कंसल्टेशन करनी है। अभी मैं ट्रेनिंग के लिए मैं दूसरी वेबसाइट यूज करता हूँ। आवाज ना करो, आवाज ना करो बैकग्राउंड। ना 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 ना। सिर्फ पाला गाने करके। हाँ तो ये वेबसाइट है, देखो मैं अब लॉगिन कर रहा हूँ। हेलो, ये मैंने एज ए सी एच ओ लॉगिन कर रहा हूँ। और इधर दूसरी विंडो पे मैंने एज ए हब यूज कर लिया है। ठीक है सर। ये आवाज ना करे मैम, जो भी है। तो ये आप देख रहे हैं दोनों वेबसाइट। अब करना क्या है कि आपने पिछली बार भी, एक तो सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर न्यू पेशेंट करना है। मैंने पहले भी बताया था ये चीज़। सबसे पहले न्यू रजिस्टर न्यू पेशेंट करना है। अब इसमें आप जो भी वैल्यू डालोगे, कई क्या करते हैं फर्स्ट नेम में स्पेस वगैरह डाल देते हैं या कुछ ऐसा डाल देते हैं, तो वो रजिस्टर नहीं करता है। ठीक है जी, कुमार जैसे उसका शॉर्ट फॉर्म डाल दिया मैंने, और यहाँ एस कुमार डाल दिया फादर नेम। विजिबल है ना सबको ये स्क्रीन? हाँ जी हाँ जी, विजिबल है सर। और एज मैंने ये डाल दी 49 और 5 मंथ्स डाल दिए। ये कंपलसरी नहीं है, ये जो चार फील्ड है ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जरूरी नहीं है। और इवन फोटोग्राफ भी जरूरी नहीं है। ये मेल मैंने डाल दिया, ये एड्रेस फर्स्ट लाइन, और जैसे मैंने यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर लिया,
यहाँ से मैंने SS नगर मोहाली सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड भी कंपलसरी नहीं रखा हुआ है, हमने डालना है तो डाल सकते हैं। और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब ये हमने इसका बटन का नाम भी वो कर दिया है, रजिस्टर कर दिया है, ठीक है। इसका जब रियल वेबसाइट पे आप देखोगे तो इसके बटन का नाम रजिस्टर आएगा। तो अब यहाँ पे क्रिएट केस करना है, पहला स्टेप है रजिस्टर करना पेशेंट को, दूसरा स्टेप है केस क्रिएट करना, ये है केस क्रिएट। ठीक सर, देखिए अब फर्क समझना है सबने बारीकी से, क्योंकि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, आपने ट्रेनिंग देनी है आगे। तो हमारे इसमें टोटल 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप के कौन कौन से हैं, पहला रजिस्टर पेशेंट, दूसरा केस क्रिएट, और तीसरा उसको कॉल करना डॉक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। फिर उसके बाद हमारा स्टेप खत्म हो जाते हैं यहाँ पे हमारे CHO के लिए, क्योंकि बस अब आपने सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के लिए वेट करना है और कुछ नहीं करना ये 3 स्टेप करने के बाद। लेकिन डॉक्टर के पास क्या होता है, पहला वो कॉल एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो इंफॉर्मेशन देखेंगे उसकी पेशेंट की, इंफॉर्मेशन के बेस्ड वो उनका ट्रीटमेंट लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन टाइप करके और वो सेंड कर देंगे। तो ये काम उनका है और तब तक आपने वेट कर लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बिहेव दिखाऊंगा किस तरह बिहेव करती है ये वेबसाइट, और आपने नोट करना है ये चीजें। और स्टेप 1 होता है जो कि पेशेंट को जब हम रजिस्टर करते हैं तो वो हर बार रजिस्टर नहीं करना होता, सिर्फ न्यू पेशेंट को रजिस्टर करना होता है, जो जिसने पहले कंसल्टेशन कराई हुई है यानी वो रजिस्टर हुआ है पहले, उसको दोबारा रजिस्टर नहीं करना। उसका सिर्फ सेकंड स्टेप पे जाना है सीधा, और उसका क्या करना है, केस क्रिएट करना है बस। और वो सर्च कहाँ से मारोगे, यहाँ लिख के सर्च मार लोगे कोई भी, जैसे वाणी कुमारी को मैं अगर सर्च मारना चाहता हूँ तो मैं यहाँ वाणी लिखूंगा और सर्च मार दूंगा, वाणी कुमारी से जितने भी पेशेंट होंगे वो यहाँ सामने आ जाएंगे और मैं उसका केस क्रिएट कर दूंगा। ये बटन है केस क्रिएट करने का, ठीक है। तो मैं इसका केस क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब देखिए क्या क्या गलतियां करी हैं, जबकि मैंने ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर दी थी फिर भी आप लोगों में से ये गलतियां कर रहे थे। अब जब मैं केस क्रिएट करना हूं तो यहाँ पे टाइप नहीं करना है, मैंने क्या कहा था यहाँ पे सर, अब फीवर फ्रॉम ऐसे नहीं करना है, लास्ट 2 डेज ऐसे नहीं लिखना, मैंने ये कहा था कि ये नहीं करना है, आपने यही कर दिया। मैंने कहा था ये काम नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे 1-2 लिखने होते हैं बस, इतना ही, जैसे FEVE लिख दिया बस, और नीचे से फीवर सेलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे सेलेक्ट करना है। फिर जैसे अगर अगर हेडेक है, अगर हेडेक है तो जैसे मैंने हेडेक लिखा और ये कर दिया, पेन है कहीं तो पेन लिखा, ईयर पेन, आई पेन, ज्वाइंट पेन है कहीं, हिप पेन, ये सारे इसमें दिया हुआ है। देखो ज्वाइंट पेन आ गया, तो ज्वाइंट पेन हो गया, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। एडिशनल कोई चीज लिखनी है उसके लिए मैं हमने हर जगह क्या दिए हैं, ये बॉक्स दिए हैं लिखने के लिए। यहाँ पे लिखो, आप यहाँ पे लिख सकते हो फीवर फ्रॉम लास्ट 3 डेज, यहाँ जो लिखना चाहते हो वो लिखो आप। तो ये सेंटेंस खत्म हो गया, फिर आगे फुल स्टॉप लगा के फिर अगली लाइन लिख लो, तो इस बॉक्स में जो मर्जी लिख सकते हैं। तो ये है प्रॉब्लम सेक्शन। अब ये प्रॉब्लम सेक्शन खत्म हो गया, एलर्जी वाला, एलर्जी में भी ऐसी टाइप करना है, जैसे किसी को डस्ट एलर्जी है तो डस्ट लिखा, तो ये कोई एलर्जी सिलेक्ट करनी है यहाँ से जो इनमें लिस्ट में आती है, सिलेक्ट की, यस, ठीक है। और नोट में आप लिख सकते हो जो आपका दिल करे, यहाँ पे ये वाला नोट नहीं मिलेगा आपको, अब की बार हमने हटा दिया, नीचे मिलेगा नोट, ये ऐड कर दिया एलर्जी, यहाँ पे नोट मिलेगा। अगर अगर आपका ये ड्रॉप डाउन नहीं चल रहा है, अगर ये ड्रॉप डाउन वर्क नहीं कर रहा है, ये वाला डस्ट आप लिखते हो लेकिन नीचे ये डस्ट आता ही नहीं है मान लो, तो आप ये चीजें इस नोट में लिखिए। सेम अगर प्रॉब्लम वाला भी नहीं चल रहा है, आप ये जैसे यहाँ पे लिखते हैं फीवर और ये नहीं चल रहा है, तो आप क्या करिए कि वो चीज यहाँ लिखिए,
अगर नहीं चल रहे हैं तो आपके लिए इसीलिए बॉक्सेस हमने दिए, ठीक है, हर जगह बॉक्सेस प्रोवाइड किए हैं। एग्जामिनेशन में इन पर टिक कर सकते हैं कि ये स्मोकिंग करता है, एल्कोहल, और इसमें इसमें भी पेल कलर, ठीक है। और ये आप टेस्ट इनमें से जो जो लिखना चाहते हैं, जैसे ब्लड ग्लूकोज, किसी का ब्लड प्रेशर नाप लिया अगर आपने वहां पे, वेट उसका, वेट तो नाप ही सकते हैं वहां पे, हाइट, इस तरह की चीजें, उसका फीवर टेम्परेचर कितना है, ये चीजें तो हम नाप ही सकते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज बता दीजिए, इस तो 105 है, ब्लड प्रेशर ये है उसका, और हाइट उसकी 171 है जी, टेम्परेचर 101 है, और वेट 74 kg। ये हमने सारी चीजें डाल दी, इनमें सिर्फ टाइप करना है। फिर ये है मेडिकल रिकॉर्ड, इसमें हम अपलोड कर सकते हैं इमेजेस, जो भी इमेजेस हम अपलोड करना चाहते हैं वो इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेरी कंपलसरी लिखिए। अब ये देखिए, प्रॉब्लम, एलर्जी, एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल रिकॉर्ड, क्वेरी, कोई भी चीज इसमें हमने रेड स्टार नहीं लगाया, मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर ये नहीं भी लिखोगे, केस क्रिएट करते टाइम ये चीजें नहीं भरोगे, तब भी केस चला जाएगा, लेकिन क्वेरी लिखनी जरूरी है। जैसे क्वेरी में मैंने लिख दिया, प्लीज गाइड द ट्रीटमेंट, मैंने लिख दिया, ये चीज मैंने लिखी। अब हेल्थ फैसिलिटी में सेलेक्ट करूंगा, हेल्थ फैसिलिटी जब मैं सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद डॉक्टर, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड लगते हैं यहाँ डॉक्टर को व्यू होने में, अगर नहीं दिख रहा है तो ये हमने ये दिया हुआ है रिफ्रेश का बटन, इसको रिफ्रेश करना है। ये इससे आपको स्टेटस भी पता चल जाएगा, अवेलेबल है या अवे है या बिजी है। बिजी होगा तो यानी वो कंसल्टेशन में बिजी है, आप कॉल नहीं कर पाएंगे, और अगर अवेलेबल होगा तो आप कॉल कर पाएंगे। अवे में यानी वो अवेलेबल ही नहीं है, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं है, तब भी कॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा सा रिसेट का बटन भी दिया हुआ है, इसको हम रिफ्रेश बटन बोल देते हैं। तो ये डॉक्टर सिलेक्ट कर दिया। अगर ये डॉक्टर ऑनलाइन नहीं है, अवे है, तो हम इस केस को प्रीव्यू करके खुद भी देख सकते हैं कि हाँ हमने केस कैसा बनाया है, और सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया, इस पर एक बार क्लिक करके आपने वेट करना है। ये देखिए थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं है कि उसको बार बार क्लिक करे जाए, थोड़ा एक बार क्लिक कर दिया, सॉफ्टवेयर ने अपना काम करना है, आपने बस वेट करना है। तो ये इस तरह से सेव होएगा, देखो ये ऊपर, और ये कहाँ मिलेगा। अब पिछली बार बहुत सारे टीएमओ का मेरे पास कॉल आ रहा था कि जी हमने ड्राफ्ट कर दिया, लेकिन वो तो हिस्ट्री में नहीं है, वो कहीं और ही ढूंढ रहे थे, उनको शायद वो रजिस्टर्ड पेशेंट की लिस्ट में या हिस्ट्री में या कहीं और ही ढूंढे जा रहे थे। ढूंढना कहाँ है आपने, केसेस ये वाली जो सबसे नीचे वाली है ना, केसेस रेफर्ड, इसमें जाना है, और इसमें वो स्टेटस होगा एज ए ड्राफ्ट, यहाँ ढूंढना है उसने, आपने वो केस जो ड्राफ्ट सेव किया है। तो खोलेंगे कैसे अब इसको, जो ये ब्लू कलर का जो लाइन दिख रही है, इस ब्लू वाली कलर वाली लाइन पे आपने क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करोगे तो वो केस आपका खुलेगा, पहले ब्लैंक खुलेगा, खाली, देखो इसमें कोई डेटा नहीं है अभी, अब इसका डेटा आ गया। तो अब ये डेटा आ गया, तो कई बार ये भी कॉल आता था मेरे को टीएमओ का, जी मैं ड्राफ्ट खोल रही हूँ लेकिन उसमें कुछ सेव्ड ही नहीं है, उसमें तो ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि वो आप खुलने से पहले तो मेरे को कॉल कर देते हो। इसको खुलने का थोड़ा सा टाइम दो, इसको ओपन होने का। ये ओपन जब होएगा तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इसमें, और देखो जो जो एग्जामिनेशन में हमने टिक लगाए थे वो सब यहाँ पे आपको, एलर्जी में जो जो डाला था, प्रॉब्लम में जो डाला था, सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर आपने हेल्थ फैसिलिटी सिलेक्ट करनी है, और डॉक्टर को सिलेक्ट करना है, और कॉल कर देंगे। अभी इसमें वेट कर रहे हैं, देखिए आपने कॉल कर दिया, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, फिर एक बार अब दोबारा ये ऐसे आइकन आएंगे, और इस तरह से कॉल इधर, अब कॉल जा रही है, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ये विंडो रहेगी ब्लैंक। अब आप समझोगे तो हैंग हो गया, लेकिन ये हैंग नहीं हुआ है, आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कॉल जा रही है, अभी डॉक्टर ने एक्सेप्ट ही नहीं करी है। तो डॉक्टर अगर कहीं इधर उधर गया हुआ है, नहीं एक्सेप्ट करी, तो आप अपना काम जारी रखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए ना। सर मोस्ट, हाँ जी बोलिए।
तो ये जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, कुछ कहना चाह रहे थे, आवाज नहीं आ रही आपकी, बाद में पूछ लेना जब मैं कंप्लीट कर लेता हूं। अभी देखिए, अब डिफरेंस देखिए, अभी डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, इसीलिए दोनों विंडो दिखा रहा हूं मैं आपको। अब दोनों विंडो को गौर से देखो कि हो क्या रहा है। इधर एक्सेप्ट हो चुका है आपका केस, लेकिन अभी तक वीसी नहीं चली है। अब क्यों नहीं चली है? क्योंकि आपने ये अलाउ नहीं किए। ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, सीएचओ वाले एंड पे नोटिफिकेशन आ रखी है, ये आपने अलाउ करना है अपना माइक्रोफोन और कैमरा। जैसे ही आप अलाउ करोगे तभी डॉक्टर का भी तभी चलेगा, वीसी और आपका भी। इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता इस केस में, डॉक्टर वाला तभी कुछ कर पाएगा, डॉक्टर वाली साइड, जब पहले सीएचओ अपना अलाउ करेगा। देखो ये जब अलाउ करेगा तब डॉक्टर से भी अलाउ करने के लिए पूछा जाएगा, लेकिन पहले डॉक्टर से नहीं पूछा जाएगा, पहले सीएचओ से पूछा जाएगा कि अलाउ कर रहे हो। जब ये अलाउ करेंगे कैमरा, तो उधर देखो अब वीसी जानी शुरू हो गई। अब आप देख सकते हैं, अब इधर भी पूछा जा रहा है डॉक्टर वाली साइड कि अलाउ करना है आपने। अब वो भी अगर अलाउ कर देते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो अब उनकी वीसी भी जानी भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये है वीसी का तरीका। अब आपने कॉल बटन पे बार बार क्लिक नहीं करना, ठीक है। अब ये सारी डिटेल डॉक्टर पढ़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसके हिसाब से वो प्रोविजनल डायग्नोस्टिक यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि उन्होंने बोला कि जी फीवर है, ऐसे लिखना है, तो ये फीवर सेलेक्ट कर लिया। अगर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आती है, अब हमने इसका प्रोविजन कर दिया, कई बार ये काम नहीं करती है, ये लिस्ट नहीं आती है। आप यहां पे थोड़ा सा लिखते हैं लेकिन नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जब तक लिखेंगे नहीं सेंड नहीं करने देगा। देखो ये बोलेगा कि प्लीज फिल द एडवाइस, अभी तो एडवाइस कह रहा है, एडवाइस मैंने लिख भी दिया, सपोज करो मैंने रेस्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने इसको कंपलसरी नहीं करा है, तो यहाँ पे लिख सकता है वो फीवर नोट, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ दवाई लिख सकता है। ये लिस्ट भी सपोज करो अगर नहीं आ रही, आ रही है तो ठीक है, आ रही है तो वो लिख देंगे ऐसे। आपने गाइड करना है, उनको ऐड करना है, यहाँ पे ऐड कर दिया, ये दवाई यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और फिर ये आपने एडवाइस में रेस्ट लिख दिया, ये नोट हमने एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है दवाई के लिए। अगर ये दवाई वाला भी नहीं काम करता है, ये वाली लिस्ट नहीं आती है, तो आप दवाई यहाँ इस नोट में लिखिए, इसके नीचे हमने दे दिया। और आप प्रीव्यू कर सकते हैं अपना केस की, मैंने कैसा बनाया है केस, इस तरह का डॉक्टर देख सकता है। और प्रीव्यू करने के बाद इसको सेंड प्रिस्क्रिप्शन कर देनी है और यस पे क्लिक करना है। कंफर्मेशन मांग रहा है, यस होते ही आपने वेट करना है। अब इधर आपकी सक्सेसफुली, अब एक बार देखिए ब्लैंक खुली है, प्रिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं आया, गौर करो अब डेटा आया है इसमें। इधर देखो अब स्पेशलिस्ट वाली साइड, इसमें भी डेटा अब आया। तो पहले क्या होता है, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक वाली प्रिस्क्रिप्शन खुलती है जिसमें कोई डेटा नहीं होता, फिर उसमें डेटा आता है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है इन चीजों में, और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, जैसे मैंने किए है ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे मेरे को पहले ही कॉल कर देते हैं कि जी ये तो ब्लैंक खुल रही है, और फिर मैं बाद में खुलवा के देखता हूँ कि आराम से खोलिए खोलिए मेरे सामने, तो खोलते हैं उसमें डेटा आ जाता है, तो बाद में कहते हैं कि नहीं अब आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा इसमें। इसमें हर प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन सेकंड का, आपको 5 सेकंड तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ये सारा प्रोसेस है इसका। अब मैं आपको ना इसमें क्वेरी सेशन भी लूंगा, और साथ में नया वाला सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगा जो हमने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। ये था पुराने वाला, और जो अभी मैं आप तो वेट करिए थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे वाला।
देखिए टीम व्यूअर देख रहे हैं आप यहाँ पे। सर मेरे यहाँ पे पटियाला में सभी ने एंड वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है मेनली, यही प्रॉब्लम है बस और कुछ नहीं है सर वहाँ पे। हाँ तो ये मैंने जैसे लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट में, आपको तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या, मैं पूरा बता देता हूँ। ये आपने आईडी शेयर करनी होती है ये वाली, और ये वाला पासवर्ड। सर ये तो हमको मालूम है, हम सभी टेक्निकल बैकग्राउंड से है ना। नहीं नहीं आपको पता है, सबको नहीं पता, सभी को पता तकरीबन। नहीं मेरे पास फोन आते हैं ना इसलिए मैं कह रहा हूँ, टीमों के मेरे पास फोन आते हैं और मेरे को कहते हैं कि जी ये क्या होता है, मतलब टीम व्यूअर क्या होता है। तो ये टीम व्यूअर का एक सॉफ्टवेयर होता है रिमोट कनेक्शन लेने के लिए। इससे मैं आपका कनेक्शन मतलब कंप्यूटर का मैं यहाँ अपने एक्सेस ले लूंगा और मैं देख पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको ये दो चीजें शेयर करनी पड़ती है, इसकी फोटो खींच के, इन दोनों की फोटो खींच के व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दो या मेरे को डाल दो। ठीक सर। ये चीजें आपने देनी है, ये आईडी और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप गूगल क्रोम खोलेंगे, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ पूरा पेज। तो जब ये गूगल आपका खुलेगा, ये देख लीजिए, सारे जिनको नहीं आता वो देख लीजिए जरूर। तो यहाँ पे आपने टीम व्यूअर डाउनलोड बस यही लिखना है और ये लिख के सर्च मारना है ये अपने आप। तो ये जिनके आगे एडी लिखा होता है ना, ये एडवर्टाइज वाली साइट होती है, इन पे नहीं जाना होता, जिनके आगे एडी लिखा है। और ये वाली साइट होती है जैसे teamviewer.com, इस पे जाइए। जब आप इस पे जाएंगे तो ये देखिए एक ग्रीन कलर में आ रहा है डाउनलोड टीम व्यूअर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखो डाउनलोड हो गया, नीचे डाउनलोड हो गया। कोने में देख पा रहे हैं सभी? हाँ जी सर। हाँ, ये इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसका वेट करिए, जैसे ये डाउनलोड हो जाए इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। जैसे ही ये डाउनलोड हो गया इस पे करना है डबल क्लिक, या जहां भी ये आपका डाउनलोड वाला फोल्डर है वहां पे मिलता है ये डाउनलोड वाले फोल्डर में। ये जैसे ये सेटअप आ गया, अब इस सेटअप को चलाना होता है, चाहे इस पे डबल क्लिक कर लो चाहे उस पे कर लो, इस तरह से डबल क्लिक करना होता है। अब मेरे पे क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये इंस्टॉल नहीं करेगा, ठीक है, अदरवाइज ये इंस्टॉल कर देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये इस तरह की विंडो खुलेगी जो मैंने अभी दिखाई थी, इस तरह की खुलेगी। पहले आईडी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी, पासवर्ड भी नहीं होगा, थोड़ी देर में अपने आप आपको शो करेगा यहाँ पे आईडी और पासवर्ड जैसे ही आपका नेट वगैरह चल जाएगा। तो ये आपने करके मेरे को देना ही देना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये पहले इंस्टॉल कर लो, फिर मैसेज वगैरह डालो कुछ भी जो डालना है अपने सिस्टम पे, ये तो इंस्टॉल करके रखना ही है। और एक बात और बता देता हूँ जो शायद आपको ये वाली बात नहीं पता होगी, कि अगर आपका एक्सपायर भी हो जाता है ना ये, क्योंकि एक महीने के लिए फ्री होता है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये एक महीने के लिए फ्री होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो आप किसी को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एक महीने के बाद, लेकिन आपको मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। ओके ठीक है। ठीक सर, एक महीने के लिए तो आपको फ्री है, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप मतलब किसी का। और इसको बहुत ही अच्छा कस्टमाइज कर दिया है, एक तरफ मैम हब है ये, एक तरफ सी एच ओ। एक तो जब रजिस्टर करेंगे ना यहाँ पे, एक मिनट, कैश क्लियर करना पड़ेगा।
ये जो कैश क्लियर करते हम डेली कर लें तो और फास्ट हो जाती है मैम, तो ये आप टीएमओ को आगे ट्रेनिंग देनी है तो आप लोगों को ये सारी चीजें आनी चाहिए कि कैश कैसे क्लियर करते हैं, और फर्स्ट टाइम लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अभी मैंने कैश क्लियर किया और इसको लोड किया ना फर्स्ट पेज को, तो ये थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम, और पहली बार अगर हो गया फिर उसके बाद बड़ा फास्ट वगैरह होता है, फिर उतना टाइम नहीं लगाता लोड होने में। ये अलाउ जरूर करनी है जितनी भी नोटिफिकेशन आती है। देखिए अभी तक आपने देखा, अब ये आ गया है नया वाला। अब इसमें प्रोसीड का बटन होता था, अब रजिस्टर का नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि ये पहला स्टेप था कि पेशेंट को हम करेंगे, तो कुछ और नाम दे देता हूँ, मनोज कुमार डी एस कुमार, ठीक है जी। ये 34 मैंने सिलेक्ट कर ली, और ये अब फर्क देखिए कि जब मैं इसको सेव करता हूँ मैसेज भी थोड़ा क्लियरली आता है। अब पंजाब कर दिया बरनाला, अब देखियो मैं जब रजिस्टर पे क्लिक करूंगा ये मैसेज भी थोड़ा इस तरह का आएगा, पेशेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये केस क्रिएट करेंगे हम, खाली इतना ही डालता हूँ मैं एग्जामिनेशन में। पहले ये जो सेव कर देते थे तो ये सेव नहीं होते थे, ये वाली चीजें, ये तीनों टिक लगे हुए नहीं आते थे। अब देखो मैं ये सेव ड्राफ्ट करता हूँ, गाइड सेव किया मैंने, अब आएगा ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली, मैसेज आएगा प्रॉपर। और अब मैं इसको ओपन करता था तो ये चीजें नहीं सेव होती थी, ये वाली अभी ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन हो गया, ये सारी चीजें सेव्ड है। पहले ये तीन चीज सेव नहीं होती थी पहले, जो अब इसमें से नीचे वाली खाली सेव होती थी, और ये एल्कोहल एल्कोहलिज्म की जगह हमने ये एल्कोहल इनटेक कर दिया, काफी इंप्रूवमेंट इनमें चेंजेस किए हमने। और एलर्जी बॉक्स अब यहाँ पे आएगा, अगर एलर्जी यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, ये इस तरह से नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखिए फिर जो भी चीज है सेम प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पे लिखिए। डायग्नोस्टिक में तो इसमें तो कोई ड्रॉप डाउन की दिक्कत नहीं होती, ना ही अपलोड में कोई दिक्कत होती है, तो इस तरह की चीजें हैं, यहाँ लिखिए और सिलेक्ट करिए डॉक्टर को और कॉल कीजिए कनेक्टिंग, और फिर ये चला जाता है। ये याद रखना, एक बार कनेक्टिंग आएगा फिर चला जाएगा, फिर ये आएगा कॉल इनिशिएटिंग, और ये बॉक्स अभी ऐसे ही रहेगा डमी जैसा, फिर हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो दोनों तरफ डमी होगा, इधर भी इधर भी, अभी इसमें कोई वीडियो नहीं आएगा अभी भी, ये देखिए टाइम लगता है उधर भी एक्सेप्ट होने में। अब ये जब तक अलाउ नहीं करेंगे नहीं होगा, जब तक ये वीसी बिल्कुल नहीं आएगी। अब देख रहे हैं जैसे ही ये मैंने अलाउ किया तो यहाँ से वीसी जानी स्टार्ट हो गई, और अब ये इधर पूछेगा इधर, क्योंकि पहले पूछ चुका था अलाउ तो नहीं पूछा, इसलिए क्योंकि ये मैंने वो कैश क्लियर इसका नहीं किया, सिर्फ इस वाले ब्राउजर का कैश क्लियर किया। अब ये देखिए प्रोविजनल डायग्नोस्टिक अगर ये आ रहा है, हमने इतने चेंजेस कर दिए हैं इसमें, अगर ये आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फीवर, लिखना जरूर पड़ेगा लेकिन इन दोनों में से कहीं भी एक। और अगर इसमें पैरासीटामोल लिखते हैं हम जैसे, और नीचे आ रही है लिस्ट में तो वेल एंड गुड, ये नहीं आती है अगर तो फिर इसके लिए हमने ये बॉक्स नीचे नोट दिया है, यहाँ पे लिख दीजिए पैरासीटामोल, डॉक्टर फिर खुद उन डॉक्टर साहब को लिखनी पड़ेगी फिर यहाँ पे, और ये रेस्ट जैसे लिख दिया उन्होंने। और अब
ये प्रीव्यू करके देख सकते हो। और हमने इसको, क्योंकि मैंने अभी वो नहीं करा है, इसमें भी चेंजेस हैं थोड़े से, जैसे कि ये प्रीव्यू का बटन पहले कर दिया हमने और सेंड प्रिस्क्रिप्शन का बाद में कर दिया, चेंज कर दिया है इसको, क्योंकि इधर मैंने वो नहीं करा था। इसको मैं इसको भी कैश क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। ये सेंड प्रिस्क्रिप्शन हुई सक्सेसफुली, कंसल्टेशन कंप्लीट हो गई। लॉग आउट करके इसका मैं इसका भी कैश क्लियर कर देता हूँ दूसरी वाली विंडो का। और रजिस्टर्ड पेशेंट पहले से है, उसका खाली केस ही बनाना है हमने। अभी जैसे मैं डॉक्टर सिलेक्ट करूंगा तो ये अवे आएगा क्योंकि लॉगिन नहीं है, और इसको स्टेटस को रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि लगता है इसमें ये 5 सेकंड के आसपास टाइम लेता है, क्योंकि पहले इसने अवेलेबल दिखाया जो पुराना स्टेटस था इसका, और बाद में ये क्या करता है आपको बिल्कुल ओरिजिनल स्टेटस दिखाएगा 5 सेकंड बाद कि अभी अवे है। अब देखो लॉगिन जैसे ही होगा उसके 5 सेकंड बाद ओरिजिनल आपको ये चीज दिखाएगा कि क्या स्टेटस है। ये देखिए डॉक्टर का स्टेटस, इधर देखते रहिए अवे है, इधर लॉगिन हुआ, लॉगिन हो चुका है सर्वर पे, तो लॉगिन हो ही चुका है। ठीक है, अभी आपको बस डैशबोर्ड दिखना बाकी है। ये अब डैशबोर्ड आ गया है और ये देखिए आने में थोड़ा टाइम लगा इसको, तो ये अब जैसे ही आ गया तो मैंने कॉल किया प्लीज गाइड कनेक्टिंग, और फिर ये चला जाता है मैसेज आके। बार बार इसीलिए दिखा रहा हूं कि सबसे ज्यादा कॉल करने में ही प्रॉब्लम आती है। ये इधर एक्सेप्ट किया, ये देखिए प्रीव्यू पहले आया है क्योंकि मैंने लॉगिन करके नहीं चलाया था मैंने इसको कैश क्लियर करके, तो अब देखिए प्रीव्यू पहले होगा बाद में सेंड, तो डॉक्टर पहले प्रीव्यू कर पाएगा। आप उन्होंने जो भी दवाई लिखी है, जैसे एक लिखी पैरासिटामोल या फीवर लिख दिया, थ्री डेज तक लिख दिया, ऐड कर दिया, एक और लिख दी जैसे दवाई उन्होंने सिट्रीजीन लिख दी, इस तरह से आए तो ठीक है, नहीं तो नीचे हम ऐड कर सकते, ये ऐड होती जाएंगी ऐसे 1 2 3, ये 1 2 3 भी आने लग गया, पहले ये सीरियल नंबर नहीं आता था। अब प्रीव्यू करके देख सकते हैं, ये इस तरह से प्रीव्यू करने के बाद सेंड कर देंगे। तो ये काफी चेंजेस हमने इसमें कस्टमाइज किए हैं। ये सेंड प्रिस्क्रिप्शन सेंट, कंसल्टेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इस तरह से ये हो गया। अभी किसी को डाउट है बताइए। किसी को